क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टार्ट रीडिंग. द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9. पहले तो मुझे बताओ कि एक टू डिजिट नंबर क्या होता है. टू डिजिट नंबर से आप क्या समझते हो? जिसमें एक यूनिट डिजिट और एक वंस डिजिट होती है. यूनिट डिजिट और वंस डिजिट तो एक ही डिजिट होती है बेटा. यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट होती है. टेंस डिजिट है ना. यूनिट डिजिट का हो या वंस डिजिट का हो तो एक ही बात हो गई ना. टेंस डिजिट यानी दो प्लेसेस हो हमारे पास. ये जो राइट साइड वाली डिजिट होती है उसको हम कहते हैं यूनिट डिजिट या फिर वंस डिजिट या फिर वंस डिजिट. एंड दिस डिजिट इज कॉल्ड एज टेंस डिजिट, राइट? यस सर. ठीक है, तो यही होता है टू डिजिट नंबर. इसको टेंस डिजिट कहेंगे और इसको यूनिट डिजिट कहेंगे या वंस डिजिट कहेंगे. That is what is called a two digit number. अच्छा, two digit number जो होते हैं, जो भी आप जानते हो, वो कहाँ से शुरू होते हैं? कौन से नंबर से शुरू होते हैं? कहाँ से? Sorry sir. Ten से. देखो 1 to 9 तो 1, 2, 3, 4 up to 9. ये तो one digit number हो गए सारे, एक ही digit इनमें. उसके बाद 10 से two digit number शुरू हो जाते हैं. Yes sir. अप टू कहाँ तक? अप टू कहाँ तक? 99. और 99 के बाद फिर 100, ये थ्री डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाता है. वंस प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड प्लेस. फिर ये कहाँ तक चलता है? 999. तो ये तो बचपन में सीखी हुई है सारी चीजें आपने, बस आप उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे. बचपन में सीखी थी ना हमने ये सारी चीजें. हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते थे, आप रिवाइज करो. अगर आप फ्लैशबैक में जाओ कि सबसे बड़ा टू डिजिट का नंबर बताओ डिविजिबल बाय 7, विच इज द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 8, इस तरह के क्वेश्चन आते थे. फिर हम सोचते थे कि थ्री डिजिट नंबर कहां से कहां तक होते हैं. याद आ रहा है कुछ? यस सर. चलो. यस सर. ठीक है, तो अब देखो इसको टू डिजिट नंबर चाहिए, यानी होना हो वो नंबर 10 से 99 के बीच में है. यही तो टू डिजिट नंबर है. इसके अलावा तो टू डिजिट नंबर है ही नहीं दुनिया में. जितने भी टू डिजिट नंबर है सारे काउंट कर लिए हमने 10 से 90. अच्छा, टोटल कितने हुए काउंट करें तो हम इसको 10 से 99, थोड़ा सा एक अंदाजा लेके बताओ. 88. 89. भाई एक से लेके 100 तक कितने नंबर होते हैं दिव्यांग, बताना. 100. तो उसमें से कौन कौन से हटा दिए? एक से 9 हटा दिए एक तो तूने, और एक 100 हटा दिया. बाकी तो सब है ना? यस सर. एक से 9 नौ नंबर्स तो ये हटा दिए, और एक 100 को भी हटा दिया, एक नंबर ये हटा दिया. तो टोटल 10 नंबर ही तो हटाए. तो कितने होंगे? सर 90 होंगे. ठीक है, चलो. कोई अब पूछे ना कि दुनिया में कितने टू डिजिट के नंबर्स होते हैं तो कहना 92 डिजिट नंबर्स होते हैं. क्लियर है यहाँ तक? अब ये तो केवल अपने जनरल नॉलेज ली है टू डिजिट नंबर के बारे में. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. ठीक है, कह रहा है कि एक दो डिजिट का नंबर है, प्लीज माइक ऑफ करो. एक दो डिजिट का नंबर है, उसके दोनों डिजिट्स का सम 9 है. मतलब जो यहाँ पे डिजिट रखा हुआ है और यहाँ पे डिजिट रखा हुआ है, इन दोनों को ऐड करें तो उसका सम कितना, सम समझते हो ना, सम मतलब उनका एडिशन. तो सम कितना आता है बेटा? 9 आता है. फॉर एग्जाम्पल मान लो नंबर हुआ 45, तो 45 में 4 प्लस 5 9 होता है? होता है नहीं होता है? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर हम उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं ऐसे नंबर जिनके टू डिजिट नंबर जिनका सम 9 हो. देखो सबसे पहला 18 होगा, फिर 27 होगा, फिर 36 होगा, फिर 45 होगा, फिर 54 होगा, और फिर 63 होगा, फिर 72 होगा, और 81, और लास्ट में 90. इसके अलावा और कोई नंबर है क्या टू डिजिट का जिसका दोनों डिजिट का सम 9 होता हो? बताओ, है क्या इनके अलावा और कोई टू डिजिट नंबर जिनके दोनों डिजिट का सम 9 होता हो? जैसे 6 + 3 = 9, 5 + 4 = 9. तो देखो अगर केवल सॉल्व करने की, मतलब मान लो ऐसा कोई क्विज आता है, तो क्विज में तो हम क्या करते हैं, कोई इक्वेशन इक्वेशन नहीं बनाते, हम केवल उंगलियों पे ही सॉल्व कर लेते हैं. देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है. ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर. अब इनमें से कोई एक नंबर है वो टू डिजिट का, उसका जैसे ही 9 गुना करते हैं हम, 9 टाइम्स करते हैं, तो क्या होता है? तो एक ऐसा नंबर आता है जो उसके डिजिट्स को रिवर्स कर दो. मतलब 45 का 54 बना दो. रिवर्स करने का मतलब ऐसे 54 बना दो. 36 का रिवर्स क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा. 54 का क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा. 63 का रिवर्स 36. 72 का 27. 81 का 18. 90 का 09, यानी सिंपली 9 भी बोल सकते हैं. 27 का 72. 18 का 81. ठीक है, ये सबका रिवर्स कर दिया मैंने.
ये क्या कह रहा है, जैसे ही मैं इनमें से कोई नंबर, ये लेफ्ट साइड में कोई नंबर है, इनमें से कोई एक नंबर है जिसका मैं जब नौ गुना करता हूं तो एक ऐसा नंबर मिलता है जो उसके रिवर्स का दुगना होता है। कुछ समझ में आया? मतलब ओरिजिनल का नौ गुना करो और रिवर्स का दो गुना करो तो ये दोनों वैल्यूज बराबर है। जैसे 63 का तो 9 टाइम्स करो और 36 का 2 टाइम्स करो, चेक करो दोनों बराबर हैं क्या। अगर बराबर हैं तो फिर मेरा नंबर 63 है। फिर 45 का चेक कर लो, फिर 36 का चेक कर लो, इस तरीके से चेक करना है। कुछ समझ में आया? यस सर। समझ में आया सर? एक और बार भाई, ओरिजिनल ओरिजिनल नंबर का, ओरिजिनल नंबर मेरे लेफ्ट साइड वाले हैं, इनका रिवर्स नंबर राइट साइड वाले में, इनमें से ओरिजिनल नंबर कौन सा है जिसका मैं 9 टाइम्स करूं तो बदले में जो आंसर आएगा वो ट्वाइस होगा उस नंबर का जो उसी नंबर के और उसी नंबर के डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स करके मिलेगा। जैसे 54 के डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स करेंगे तो 45 मिलेगा, और 45 का वो ट्वाइस होगा अगर मैं ओरिजिनल जैसे 54 का 9 टाइम्स कर दूं तो। ऐसा कौन सा नंबर है? अब समझ आया? यस सर। ठीक है, अब देखो मैं केवल हिट एंड ट्रायल मेथड से इसका आंसर ला सकता हूं। आंसर इज 18, क्योंकि 18 का 9 टाइम्स करोगे तो क्या आएगा 162, और जो उसका रिवर्स नंबर है 81 उसका 2 टाइम्स करोगे तो भी 162 आएगा। यस सर। यस सर। तो बिना कुछ बनाए, बिना कुछ इक्वेशन सॉल्व करे मैंने आंसर लिया है 18। बट ये तो चलिए रही है कॉमन सेंस की बात है ना। अभी तो ये नंबर्स क्या छोटे छोटे थे और ऐसे थे कि गिनती में हमने उंगलियों पे गिन लिए। मान लो ये 3 डिजिट नंबर का क्वेश्चन होता तो फिर और ज्यादा नंबर्स बनते, फिर हम उंगलियों पे नहीं गिन पाते। तो कुछ एक पैटेंट तरीका होना चाहिए ना, कुछ इक्वेशन टाइप में सॉल्व करने का एक तरीका होना चाहिए। तो अब इक्वेशन टाइप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलें, ये केवल नॉर्मली मैंने ऊपर ऊपर से क्वेश्चन का मीनिंग बताया भी क्वेश्चन कहना कैसा रहा है। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था एक तरीका कि जब 2 डिजिट नंबर होता है उसकी जो वैल्यू निकालते हैं हम, वो वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो डिजिट टेंस प्लेस पर है, डिजिट एट टेंस प्लेस, जो भी डिजिट टेंस प्लेस पर है उसको तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस जो डिजिट एट वंस प्लेस है उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? बोलो। वन। उसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू वन, नीचे लिख देता हूं इनटू वन। जो टेंस प्लेस पे डिजिट है उसको तो 10 से मल्टीप्लाई करो, जो वंस प्लेस पे डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हर एक डिजिट की एक प्लेस वैल्यू होती है और एक फेस वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल मैंने नंबर लिखा, कोई भी नंबर बोलो, 2 डिजिट का कोई भी नंबर बोलो, बताओ 36, 27। जरूरी नहीं है कि उसी लिस्ट में से बोलो, कोई भी नंबर बोलो 2 डिजिट का, 27, 89, 48 नंबर या एंजल को उसी लिस्ट के याद आ रहे हैं। क्या बोला? 89। ठीक है चलो 89। देखो ये डिजिट एट टेंस प्लेस है 8, उसको तो मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, प्लस ये 9 जो है डिजिट एट वंस प्लेस है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। बोलो 8 इंटू 10 क्या होता है? 80। और 9 इंटू 1 क्या होता है? 9। आंसर क्या आया? 89। चेक करो मैच किया नहीं किया। Yes, sir. मैच कर दिया ना। बचपन में हम ऐसे क्वेश्चंस करते थे, आपको याद हो तो, प्लेस वैल्यू निकालना, फेस वैल्यू निकालना, वही सब रिपीट हो रहा है। हम क्या करेंगे, हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू को उसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और आखिरी में ऐड कर देंगे। अब ये 8 तो है इसकी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब ये फेस, इसकी शक्ल कैसी दिख रही है, तो इसकी शक्ल 8 जैसी दिख रही है तो ये होगी इसकी फेस वैल्यू। 10 है उसकी प्लेस वैल्यू, वो किस प्लेस पर बैठा है, किस पोजीशन पे, किस जगह पे बैठा है, तो वो टेंस पोजीशन पे बैठा है तो वो होगी इसकी प्लेस वैल्यू। 9 है इस वाले डिजिट की फेस वैल्यू, और वो किस पोजीशन पे बैठा है, 1 वाली पोजीशन पे बैठा है, तो ये होगा इसकी प्लेस वैल्यू। तो हर एक डिजिट की फेस वैल्यू को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कराओ और फिर लास्ट में ऐड कर दो, तो जो हमको नंबर मिलेगा वो एक्चुअल में उस नंबर की वैल्यू के बराबर ही होगा। समझ गए? चलो अब एक और ट्राई करते हैं। सपोज करो 3 डिजिट नंबर है, 327, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इस नंबर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो अब ये जो 3 है इसकी फेस वैल्यू क्या है? 3
इस डिजिट थ्री की फेस वैल्यू तो थ्री है ना, मैं इसकी शक्ल कैसी दिख रही है, थ्री की शक्ल थ्री जैसी दिखेगी। अब इस थ्री की प्लेस वैल्यू बताओ, मतलब थ्री कौन सी पोजिशन पे बैठा है वो बताओ। 100 ठीक है। प्लस अगले डिजिट पे आओ, टू की फेस वैल्यू तो टू ही रहेगी, लेकिन टू कौन सी प्लेस पे बैठा है, 10. और सेवन की फेस वैल्यू सेवन ही रहेगी, और वो कौन सी प्लेस पे बैठा है, ऐड करो 327, ऐड करोगे तो 327 मिलेगा। जो आंसर आया वो उसी की वैल्यू के बराबर आया नहीं आया? यस सर, मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा, है ना? ठीक है, तो अब हम एक्चुअल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए उसने क्या कहा है, फाइंड द नंबर। अब आप कहोगे सर उसने तो एक ही चीज पूछी, अब तक तो सारे क्वेश्चन में दो दो चीजें पूछ रहा था, जैसे नूरी की एज, सोनू की एज, अब इसमें 50 के नोट, 100 के नोट, इसमें तो एक ही नंबर, एक ही मतलब चीज पूछ रहा है। कोई बात नहीं, तो इस नंबर के अंदर दो डिजिट्स हैं, है या नहीं है? यस सर। तो yes, sir. जो टेंथ प्लेस वाली है उसको एक चीज मान लो, जो वंस प्लेस वाली है कुछ भी मान लो। सपोज करो टेंथ प्लेस वाली को आपने x मान लिया, मतलब इधर जो डिजिट रखी गई है उसको x मान लिया, इधर जो डिजिट रखी गई उसको y रख मान लिया, या फिर उल्टा भी मान सकते हो, जैसे भी मानना चाहो। ठीक है, शुरू करें? यस सर। स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग। लेट द डिजिट एट, पहले टेंथ प्लेस की मान लेते हैं, टेंथ प्लेस, लेकिन जो भी मानो वो याद रखना, ऐसे नहीं खुद ही भूल जाओ क्या मानी थी, बी एक्स। अब इसके कोई यूनिट नहीं लगा सकते क्योंकि डिजिट की कोई यूनिट नहीं होती। एंड द डिजिट एट वंस प्लेस, वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको क्या मान लेते हैं, वाई। यहां तक लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. So, value निकालो अब, value of the number या original number लिख लो, क्योंकि दो number मिलेंगे ना, तो ये तो हो गया original, और जो दूसरा मिलेगा उसको reverse number कह देंगे। Value of the original number बोलो। अभी अभी मैंने value निकालना सिखाया है आपको, क्या करेंगे? 10x + y. Very good. x तो है टेंथ प्लेस की डिजिट, उसको तो 10 से करो मल्टीप्लाई, और y है वंस प्लेस की डिजिट, उसको करो 1 से मल्टीप्लाई, तो एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई नंबर की, 10x + y. इज दैट क्लियर? यस सर, सभी को? ठीक है, अब ये तो हो गया। yes, मेरा नाउ अब क्या करना है मुझे, डिजिट्स को रिवर्स करना है। ठीक है, नाउ On reversing the digits of the number, on reversing the digits of the number, we get. तो जब मैं रिवर्स कर दूंगा तो उल्टे फुलटे हो जाएंगे। अब वंस प्लेस पे आ जाएगा, जो यहाँ पे टेंस प्लेस पे बैठा था वो आ जाएगा वंस प्लेस पे, और जो वंस प्लेस पे बैठा था वो आ जाएगा टेंस प्लेस पे। यही तो होता है रिवर्स करना, जैसे 54 का 45 हो गया, समझ गए ना? तो रिवर्स yes, करने sir. के बाद जो डिजिट है एट टेंथ प्लेस वो तो क्या होगी, क्या होगी बताओ, डिजिट एट टेंथ प्लेस क्या हो जाएगी रिवर्स करने के बाद? वाई, पहले एक्स थी या वाई होगी, और द डिजिट एट, साथ के साथ लिखते भी चलना और समझते भी चलना, रिप्लाई भी करते चलना, सारे काम साथ में करोगे तो देखो यूं सीख जाओगे सारे काम साथ में, एक ही वो फ्लो बना के रखो, है ना, मतलब फोकस करते रहो। वंस प्लेस पे अब डिजिट कौन सी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, एक्स। ठीक है जी, तो अब जब डिजिट्स उल्टी फुल्टी हो गई तो फिर आपका वैल्यू क्या आई, अब वैल्यू चेक करो। सो वैल्यू 10y + x, वेरी गुड। वैल्यू ऑफ द, अब ओरिजिनल वर्ड यूज ना करके रिवर्स्ड नंबर लिखेंगे, क्योंकि अब तो नंबर रिवर्स हो चुका है, या न्यू नंबर लिख सकते हो या मॉडिफाइड नंबर, कुछ भी वर्ड यहाँ पे डाल सकते हो। तो अब क्या करेंगे, अब y बैठा है टेंस प्लेस पे तो y को करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, और अब x बैठा है वंस प्लेस पे तो x को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो इट कम्स आउट टू बी 10y + x। यहां तक सबको क्लियर है क्या? यस सर। सो दिस इज माय ओरिजिनल नंबर एंड दिस इज माय मॉडिफाइड नंबर, दोनों नंबर मिल गया मुझे।
मिल गए। अब उसने क्या कहा साहब, अब उसने क्या कहा, ओरिजिनल का करो 9 गुना, रिवर्स का करो 2 गुना और दोनों को कर दो इक्वेट, बन गई इक्वेशन। बोलो बन गई इक्वेशन, समझ में आया? यस सर। लेकिन ये तो एक ही इक्वेशन बनी, हमको तो दो बनानी है ना, तो एक इन्फॉर्मेशन और है वो भी पढ़ो कि दोनों डिजिट्स का सम 9 है, इसको भी तो यूज करोगे। तो पहले इन्फॉर्मेशन ये वाली गिवन है तो पहले इसी को लिख लेते हैं, पहली इन्फॉर्मेशन हम यही लिख लेते हैं, लिखो नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट द सम ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 9, यही गिवन है, ठीक है? यस सर। तो यहां से कोई बता सकता है क्या इक्वेशन बनेगी इस इंफॉर्मेशन को यूज करके? 10x plus y equal to 9। हाँ, डिजिट्स का सम बेटा, x plus y equal to 9, दोनों डिजिट्स का सम, जो भी डिजिट यहाँ रखा हुआ है और जो भी, जैसे 45 रखा हुआ है, मान लो नंबर 45 है तो 4 plus 5 9 करोगे ना, तो मान लो नंबर ऐसे रखा हुआ है x और 10 प्लेस पे x बैठा है, इस प्लेस पे y बैठा है, तो इन दोनों डिजिट्स का सम 9 है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x plus y equal to 9, समझे क्या? दिस इज माय इक्वेशन 1, ठीक है निशिता? यस सर। अब अगेन, अब सेकंड इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं, अगेन इट इज गिवन दैट, सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है पढ़ते हैं, कि 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर का बराबर है ट्वाइस किसका, रिवर्स नंबर का, 9 टाइम्स या 9 वाला वही वाला लिख लो, मैथ्स वाला 9, नंबर वाला 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस द रिवर्स्ड नंबर, शॉर्ट में लिख दिया हमने, उसने पूरा थोड़ा लॉन्ग कट में लिख के भेजा था, हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया। कुल मिला के बात तो यही है ना कि ओरिजिनल नंबर का 9 गुना बराबर है रिवर्स नंबर के 2 गुने के बराबर है, करेक्ट? यहां से सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी हमारी, देखो ओरिजिनल नंबर का 9, चलो दैट के बाद पढ़ना स्टार्ट करो, दैट के बाद पढ़ना स्टार्ट करो, क्या लिखा हुआ है, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स को क्या लिखते हैं बोलो इक्वेशन की वाली दुनिया में, 9 मल्टीप्लाई, अच्छा 9 टाइम्स के बाद क्या लिखा हुआ है, ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर का मतलब है ओरिजिनल नंबर की वैल्यू, तो ओरिजिनल नंबर की वैल्यू क्या आई थी, ऊपर चेक करो, 10x plus y, ब्रैकेट लगाना मत बोलना, चेक करो, मैंने देखो ऊपर भी ब्रैकेट लगाया है, चेक कर लो, जैसे यहाँ पर मैंने ऊपर भी ब्रैकेट लगाया है, यहाँ पर भी मैंने ऊपर भी ब्रैकेट लगाया है और यहाँ पर भी लगाया है, तो नीचे भी लगाना है, क्लियर है, ठीक है ना? यस सर। नहीं तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलती हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया ओरिजिनल नंबर 10x plus y, फिर लिखा हुआ है इज, तो इज एम आर वॉज वर, इसकी जगह क्या लगाते हैं हम, इक्वल साइन, इक्वल टू का साइन लग गया, उसके बाद है ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब मल्टीप्लाई करना, और ट्वाइस के बाद क्या लिखा हुआ है, रिवर्स नंबर, तो रिवर्स नंबर की वैल्यू लिखनी है, रिवर्स नंबर की वैल्यू क्या है, 10y plus x, और उसको भी हमको ब्रैकेट में पुट करना है, तो बन गई बड़ी आसानी से इक्वेशन, अब इसको बस सॉल्व कर लो, 9 into 10x becomes 90x plus 9 into y becomes 9y equal to 2 into 10y, क्या होगा 20y plus 2 into x, क्या होगा 2x, तो कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, सारे वेरिएबल टर्म्स हैं, और हमको सारे वेरिएबल टर्म्स को LHS में लिखना होता है, कांस्टेंट को RHS में लिखना होता है ना, जैसे कि ऊपर वाली इक्वेशन में हमने लिखा है वेरिएबल टर्म्स LHS में और कांस्टेंट टर्म्स RHS में, अब इस इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो फिर RHS में क्या रहेगा बताओ, जीरो, ठीक है, तो 90x की बगल में वहां से 2x को बुलाओ, 2x पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा
और 9y की बगल में वहां से 20y को बुलाओ तो 20y भी वहां पॉजिटिव है, यहां के नेगेटिव हो जाएगा। RHS में कुछ नहीं बचा, जीरो। सॉल्व करो, व्हाट इज 90x माइनस 2x? 88x। अच्छा, व्हाट इज 9y माइनस 20y? माइनस 11y। इक्वल टू जीरो। तो वैसे तो इक्वेशन रेडी है, लेकिन अभी और भी छोटी हो सकती है चाहे तो। Yes, sir. कैसे कैसे 11 कॉमन लेंगे, तो 88 को 11 से। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। तो 11 बाहर कॉमन ले लिया, इस 11 को आरएचएस में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है 11 से, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ रह गया अकेला 8x माइनस वाई, वहां पे 11 उधर गया तो 0 से डिवाइड हो गया, और 0 से 11 को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 0 0 से जो टकराएगा वो खुद 0 बन जाए। दिस इज आवर इक्वेशन, इससे ज्यादा ये छोटी हो नहीं सकती इक्वेशन। अब वैसे तो अगर आप उसको भी मार्क कर देते इक्वेशन 2 और उससे भी सॉल्व कर लेते तो आंसर उससे भी आ जाता, लेकिन वो जब छोटी हो सकती है तो कर देनी चाहिए, उससे कैलकुलेशन थोड़ी सिंप्लीफिकेशन थोड़ा छोटा हो जाता है। तो बन गई दोनों इक्वेशंस। Yes, sir. आगे का काम आपको खुद को करना है, सबसे पहले तो दोनों इक्वेशंस को साथ में लिख देंगे। सो वी हैव, बोलो पहली इक्वेशन क्या बनी थी, x plus y equal to 9, यही थी। Yes, sir. Yes, sir. सेकंड इक्वेशन क्या बनी है, 8x minus y equal to 0। दोनों इक्वेशन साथ में लिखने के बाद एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। नाउ सॉल्विंग द इक्वेशंस by elimination method. We have, और अब elimination method से जो solve करने का process है वो सबको अपने आप करना है, कर दोगे? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अच्छा मुझे बताओ, yes, करोगे क्या, कैसे करोगे? सर इसमें y common coefficient add कर देंगे दोनों। देखो कल किसने किया था, निहारिका। हाँ देखो निहारिका, कल आपने एक चीज करी थी, हम निहारिका के साथ कुछ बच्चे और भी कर रहे हैं, सारे बच्चे x को ही एलिमिनेट करने पे जोर दे रहे हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कहीं रूल नहीं, कहीं कायदा कानून नहीं लिखा हुआ कि x को ही एलिमिनेट कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस इक्वेशन में ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई है, तो साइन दोनों के अलग अलग हैं, कोएफिशिएंट भी सेम है 1-1, तो हम सिंपली दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दें, तो ये वैसे ही कैंसिल आउट होके एलिमिनेट हो जाएंगे। बोलो निहारिका, होंगे नहीं होंगे? यस सर होंगे। अब अगर अपन जोर देंगे, नहीं सर मैं तो x को ही एलिमिनेट करूंगी, तो उसके लिए आपका काम आपने ही बढ़ा दिया। आप x को एलिमिनेट करने के लिए पहले तो इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके ये 8x बनेगा, एक तीसरी इक्वेशन बनाओगे 8x वाली, 8x plus 8y और 8 9 72, इस तरीके से कोई तीसरी इक्वेशन बनाओगे, और फिर आप इक्वेशन उस तीसरी में से इसको माइनस करोगे, तब जाके 8x और 8x एलिमिनेट होगा। तो एक्चुअली हमने हमारा ही काम बढ़ा दिया ना, तीसरी इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, जब वाई आसानी से एलिमिनेट हो रहा है तो उसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एक्स को एलिमिनेट करें। समझ गए क्या सारे बच्चे? ट्राई करेंगे सारे बच्चे, अगर कोई डाउट होगा तो कल पूछेंगे। चलते हैं फटाफट लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एलिमिनेशन मेथड, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज आल्सो। स्टार्ट रीडिंग। ए लेंडिंग लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी समझते होंगे सब, सबके स्कूल में होगी शायद, है ना? लेंडिंग, लेंडिंग मतलब, लेंडिंग का मतलब क्या होता है, उधार देना। वेरी गुड। एंड बोरोइंग, उधार लेना, लेना। बोरो मतलब उधार लेना, लेंड मतलब उधार देना। तो लाइब्रेरी हमको लैंड करती है, हम लाइब्रेरी से बोरो करते हैं, हम तो बोरोवर हो गए और वो लैंडर हो गई। ठीक है, तो एक लाइब्रेरी है जो बुक्स उधार देती है, उस वो उधार देती है तो कुछ चार्जेस भी लेगी। तो ध्यान से सुनना, अभी बड़ा ही टिपिकल सा क्वेश्चन है, फिक्स्ड चार्ज है उसका पहले 3 दिन के लिए। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया? पहले 3 दिनों के लिए तो फिक्स्ड चार्ज है, मान लो 10 रुपए 20 रुपए जो भी है, पहले 3 दिनों के लिए, यानी 3 दिन तक आप किताब रखोगे तब तक तो वही चार्ज देना पड़ेगा। 1 दिन रखोगे तो भी 10 रुपए, 2 दिन रखोगे तो भी 10 रुपए, 3 दिन रखोगे तो भी 10 रुपए, या जो भी उसका फिक्स चार्ज है। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है ना, समझ गए इतनी सी बात कि 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है।
बोलो यस सर। ठीक है, अब तीन दिन से ज्यादा अगर आपने बुक को रख लिया तो आगे क्या कह रहा है, एडिशनल चार्ज लगेगा फिर तो, और एडिशनल चार्ज पर डे का लगेगा, ईच डे का लगेगा, यानी चार दिन रखा तो चौथे दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगा, पांच दिन रखा तो फिर चौथे दिन का भी एक्स्ट्रा चार्ज लगा और पांचवें दिन का भी एक्स्ट्रा चार्ज लगा, छह दिन रखा तो चौथे दिन पांचवें दिन और छठे दिन तीनों दिन का एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चार्ज लगता रहेगा। समझ में आया कुछ, आया क्या? यस सर। शुरू के तीन दिन का तो, शुरू के तीन दिन का तो फिक्स चार्ज है, शुरू के तीन दिन का तो सपोज करो मैंने बुक्स को पांच दिन रखा, पहले दिन, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, तो शुरू के तीन दिन का तो फिक्स चार्ज है, यहाँ तो मुझे एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा तीन दिन का, जो भी किराया होगा उसका, जो भी उसके चार्जेस होंगे, और जो तीन दिन के बाद में रखता हूं तो एडिशनल चार्ज चौथे दिन का अलग लगेगा और पांचवें दिन का अलग लगेगा, यहाँ पे एडिशनल चार्ज लगेगा, यहाँ पे भी एडिशनल चार्ज लगेगा, तो टोटल जो भी चार्ज होगा इसमें ये फिक्स चार्ज ऐड होगा, ये एडिशनल चार्ज चौथे दिन का और एडिशनल चार्ज पांचवें दिन का, और फिर मेरा यहाँ पे टोटल चार्ज आएगा। अब समझ आया? Yes, सबको समझ आया अच्छे से? ठीक है, तो अगर समझ आया तो एक इलस्ट्रेशन में इसी के ऊपर देता हूँ, देखें सॉल्व करके बताओ। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि फिक्स्ड चार्ज तो है तीन दिन का ₹50, ऐसे मान लेते हैं ना, कितना है ₹50, और जो एडिशनल चार्ज है पर डे का तीन दिन के बाद अगर आप रखते हो तो बुक को, एडिशनल चार्ज वो मान लो आप ₹10, मान लो ₹10 पर डे का एक्स्ट्रा चार्ज है फिर तीन दिन के बाद, तो ये तो तीन दिन का चार्ज है फोर थ्री डेज, और उसके बाद फिर एडिशनल चार्ज ये, तो कौन बताएगा? चलो सृष्टि आप बताओगे। सृष्टि मुझे बताओ, अगर आप 10 डेज बुक को यूज करते हो तो आपको कितना टोटल चार्ज देना होगा, कैलकुलेट करके बताओ। सर मैं बताऊं? अभी आपसे दूसरा पूछ लेंगे, ऐसी क्या बात है सर? 500, इतना ज्यादा ना, इतना तो नहीं होना चाहिए। हाँ दिव्यांग बता रहा था, दिव्यांग बताना सर। 120, वेरी गुड, यानी कि हिसाब भाई खाते भाई करने में तो पक्का है तू, है ना? चलो देखो सृष्टि, 10 दिन तो आपने टोटल यूज किया जिसमें से तीन दिन का तो फिक्स चार्ज था, तो एक्स्ट्रा चार्ज कितने दिन का दिया आपने? 7 दिन का, समझे क्या? बोलो सृष्टि, समझ आया? यस सर। अब तीन दिन का फिक्स चार्ज कितना दिया आपने? ₹50। भाई अगर आप एक दिन रखते, दो दिन रखते, तीन दिन रखते, तीन दिन तक तो आपको ये फिक्स चार्ज देना ही पड़ता, लेकिन आपने 10 दिन रख ली तो आपने 7 दिन एक्स्ट्रा रखी, तो जो पेनल्टी लगेगी वो 10 दिन की थोड़ा लगेगी, पेनल्टी तो 7 दिन की लगेगी ना, 3 दिन तो वैसे भी आपको मिलते ही, तो पेनल्टी कितनी है? हर रोज ₹10, तो 7 दिन की टोटल पेनल्टी कितनी हो गई? एडिशनल चार्ज के दो, पेनल्टी के दो, जो भी के दो, ₹70 पेनल्टी हो गई, तो टोटल चार्जेस कितने हो गए आपके 10 दिन बुक रखने के? 120। समझ आया? यस सर। सभी को समझ आया क्या ये इलस्ट्रेशन? ये इलस्ट्रेशन समझ आया तो अब इक्वेशन में दिक्कत नहीं आएगी। आकांक्षा आपको समझ आया? यस सर। तो एक दूसरा आपको दूं, आप कर दोगे? चलो आप बताओ, अगर 15 डेज रखें तो? आकांक्षा ट्राई करो, देखें 15 डेज रखें तो टोटल कितना चार्ज हो जाएगा हमारा लाइब्रेरी का? बोलो आकांक्षा, बोलो, नहीं हो रहा सॉल्व? नो सर, नहीं हो रहा। आप मुझे बताओ टोटल आपने 15 डेज रखा, टोटल आपने, आकांक्षा बताइए, टोटल आपने 15 डेज रखा, इसमें से फिक्स चार्ज कितने दिन का है बताओ? फिक्स चार्ज कितने डेज का? 3 डेज का। तो आपकी पेनल्टी बचे हुए दिन की लगेगी, कितने दिन की पेनल्टी हो गई बोलो? 12 डेज की, वेरी गुड। अच्छा, 3 दिन का फिक्स चार्ज कितना है ऊपर चेक करके बताओ? 50 प्लस 12 दिन की पेनल्टी, तो हर दिन की पेनल्टी कितनी है चेक करो?
हर दिन की 10 10 तो 12 दिन की कितनी हो गई? 12 दिन की कितनी हो गई? 120 तो टोटल चार्जेस कितने हो गए? 120 नहीं टोटल नहीं हाँ टोटल बताओ इन दोनों को ऐड करके बताओ 17 तो अब समझ में आया आकांक्षा? अब समझ में आया आकांक्षा? यस सर। तो अब शायद सभी को समझ में आ गया होगा, या किसी को अभी भी समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो। सर आ गया अच्छे से। अच्छे से आ गया अब तो, है ना? अब लाइब्रेरी में इसी हिसाब से हिसाब करके आना जब भी जाए ना। ठीक है साहब, अब सबको समझ में आ गया। अच्छा मैं इसको पेनल्टी वर्ड यू बोल रहा हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, एडिशनल चार्ज वर्ड में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो आप, तो आप पेनल्टी मान लो उसको। ठीक है चलिए आप क्वेश्चन पे आइए। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कि सरिता नाम की कोई स्टूडेंट है जिसने 27 दिन एक किताब रखी और उसको 27 रुपए उसने पे किए, उसने 7 दिन किताब रखी 7 डेज के, जबकि एक दूसरी स्टूडेंट है सुशी, उसने क्या 21 रुपए पे किए और उसने किताब कितने दिन रखी? 5 डेज। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि 7 दिन का टोटल चार्ज लगा 27 रुपए और 5 दिन का टोटल चार्ज लगा 21 रुपए। आपको बताना है कि फिक्स चार्ज तो कितना है और एडिशनल चार्ज एक्स्ट्रा डे का कितना है। जो भी हमने कंसीडर कर दिया था, जैसे फिक्स चार्ज हमने 50 रुपए कंसीडर कर दिया था और एडिशनल चार्ज 10 रुपए पर डे कंसीडर किया था, ये तो हमने ऐसे ही कंसीडर कर लिया था। हमको एक्चुअल में बताना है कि कितना तो फिक्स चार्ज है और कितना एडिशनल चार्ज पर डे है। समझ में आया क्वेश्चन सबको? यस सर। यस सर। चलो तो जैसा कि ट्रेंड है कि जो चीज वो पूछता है उसी को एक्स और वाई मानते हैं, तो फिक्स्ड चार्ज और एडिशनल चार्ज, तो फिक्स्ड चार्ज को मान लो एक्स और एडिशनल चार्ज को मान लो वाई। इजी। स्टार्ट राइटिंग। लेट द फिक्स्ड चार्ज या फिक्स्ड चार्ज लिख लो या फिक्स्ड चार्जेस लिख लो, फिक्स्ड चार्ज ही लिखा हुआ है, फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स। चार्ज है यानी अमाउंट है, मनी है, तो रुपीज लगाएंगे हम यूनिट, एंड दूसरे को एडिशनल चार्ज का जो नाम दिया गया है एडिशनल चार्ज ही लिख लो। वैसे एक तरीके की ये पेनल्टी है लेकिन हम इसको एडिशनल चार्ज का नाम देंगे क्योंकि क्वेश्चन में वैसे ही दिया हुआ है। बी एडिशनल चार्ज पर डे का, याद रखना पर डे का। ऐसा नहीं है कि आपने 7 दिन रखा तो भी वही पेनल्टी है, 10 दिन रखी तो भी वही पेनल्टी है, हर डे की पेनल्टी है। पर डे बी रुपीज वाई। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है अब केस वन। केस वन में कितने दिन तक किताब रखी गई है? 7 डेज तक। 7 डेज। ठीक है तो लिखिए नंबर ऑफ डेज फॉर विच द बुक वॉज लैंडेड। बुक कितने दिनों के लिए लैंड की गई? 7 डेज। ऐसा गिवन है, गिवन डाल देना उसके सामने, डालना गिवन। मेरे यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने नीचे डाला है, आप लोग उसके सामने लिखना गिवन। लिख लिया? यस सर। यस सर। 7 दिन के हिसाब से, जैसे मैंने आपको वहां पे एग्जांपल दिया था 50 रुपए तो ये दिया था, 10 रुपए ये दिया था, और फिर मैंने आपसे अलग अलग डेज के बारे में पूछा तो आपने फटाफट कैलकुलेट करके बता दिया, और जिसमें शिवम को तो इतना अच्छे से समझ में आया कि शिवम ने कहा कि सर अब तो बिल्कुल समझ में आ गया। आ गया था ना शिवम? यस सर। तो अब शिवम बताएगा, उस 50 की जगह मैंने रखा है एक्स और उस 10 की जगह रखा है मैंने वाई, तो जो काम उस 50 और 10 के साथ कर रहे थे वही काम अब एक्स और वाई के साथ कर दोगे ना? कर दोगे? यस सर। और जो डेज थे मैंने एक बार 10 डेज दिया, एक बार 15 डेज दिया, यहाँ पे क्वेश्चन में केवल 7 डेज ही है, तो जो काम हमने वहां पे 15 दिन और 10 दिन के लिए किया वही काम अब 7 दिन के लिए करना है। तो आप मुझे बताओ केस वन में फिक्स्ड चार्जेस कितने लगेंगे और कितने दिन के लगेंगे? फिक्स्ड चार्जेस पहले तो बताओ कितने दिन के हैं? 3 डेज के, ये तो बुक में गिवन है। यस सर। कितने रुपए लगेंगे फिक्स्ड चार्जेस? एक्स रुपीज। वेरी गुड। जैसे वहां पे 50 माना था हमने एक्स माना है, तो फिक्स्ड चार्ज तो एक्स ही रहेगा 3 दिन का, तो एडिशनल चार्ज कितना लगेगा आप बताना? और एडिशनल चार्ज कितने दिनों का लगेगा ये बताओ? एडिशनल चार्ज 4 डेज का। देखो टोटल नंबर ऑफ डेज 7 दिन है,
सात में से तीन दिन का तो फिक्स चार्ज लग रहा है, तो फिर एक्स्ट्रा पेनल्टी चार दिन की लगेगी ना। तीन दिन तो भाई आपका हक था उस किताब को रखना, कोई आपसे वो हक छीन नहीं सकता था, लेकिन आपने चार दिन एक्स्ट्रा रखी है तो जो पेनल्टी कह दो या एडिशनल चार्ज कह दो वो चार दिन का ही लगेगा, पूरे सात दिन का नहीं लगेगा। समझ गए? यस सर। तो एडिशनल चार्ज फॉर फोर डेज लिखो आप यहाँ पे। तो एक दिन का देखो, आपने जो वाई माना है वो पर डे का माना है, पर डे का, टोटल नहीं माना है, पर डे का माना है। और अब आप चार दिन का एडिशनल चार्ज जोड़ रहे हो, तो एक दिन का अगर वाई है तो चार दिन का चार वाई हो जाएगा, फोर इंटू वाई यानी फोर वाई। बोलो समझ आया? और अभी भी नहीं समझ आया तो इसको थोड़ा सा क्लियर लिख लो, फोर इंटू वाई इक्वल टू रुपीज फोर वाई। भाई कोई सोचे सर फोर वाई कैसे आया, जैसे वहां पे 10 को 12 से मल्टीप्लाई किया था आकांक्षा तो 120 आया था, वैसे यहाँ पे y को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 तो दिन है और y एडिशनल चार्ज है, तो ये 4y हो गया। क्लियर है? yes, sir. अब फिक्स चार्ज भी आ गया, ये एडिशनल चार्ज भी आ गया, सो टोटल चार्जेस फॉर 7 डेज, टोटल चार्जेस फॉर 3 और 4 7 दिन हो गए। टोटल चार्जेस कितने होंगे? एक्स तो हो गया फिक्स, एक्स प्लस फोर वाई, वेरी गुड। लेकिन बुक के हिसाब से टोटल चार्ज कितना है सात दिन का? 27 रुपए। तो हमारे हिसाब से टोटल चार्ज है ये, बुक के हिसाब से 27 है, तो इसकी वैल्यू 27 के बराबर होगी नहीं होगी इस चीज की वैल्यू? यस सर। ठीक है, कनेक्टर कौन सा लगाएंगे? बट बट इवन दैट, but it is given that the total charges, class 12th अगर आपने join कर लिया है तो आप 5 मिनट के बाद 5 मिनट तक wait करो, आज संडे तो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे आपको भी इनको भी दोनों को। total charges for 7 days is rupees 27, that is equation बनाओ। देखो हमारे हिसाब से टोटल चार्ज आ रहा है x प्लस फोर वाई, उनके हिसाब से टोटल चार्ज आ रहा है 27। बन गई इक्वेशन? यस सर। और इससे ज्यादा ये सिंपलीफाई भी नहीं हो सकती, इससे ज्यादा कुछ कट भी नहीं रहा इसमें, तो ये ऐसे कैसे ही रहेगी। ठीक है, समझ में आया कैसे बनी इक्वेशन 1? यस सर। चलिए अब सारे बच्चे ट्राई करो इक्वेशन 2, 2 मिनट का टाइम दिया है, इस तरीके से सारे के सारे स्टेप्स लिखो और केस 2 बनाओ। केस 2 में टोटल चार्ज तो है 21 रुपए और नंबर ऑफ डेज है 5 डेज। शुरू हो जाओ, लीव करके वापस भी आ जाओ। हाँ तो हो गया सबका? यस सर। इसी में फेर बदल करते हैं केस 2। केस 2 में क्या होगा, सबसे पहले नंबर ऑफ डेज चेंज करो, नंबर ऑफ डेज कितने? 5 डेज, राइट? यस सर। ठीक है, फिक्स चार्ज 3 दिन का एक्स लगेगा, ये पहले ये वाली स्टेप तो एज इट इज रहेगी, इस स्टेप में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। सेकंड स्टेप में एडिशनल चार्ज पहले तो बताओ कितने दिन का लगेगा? 2 डेज। 2 डेज और कितना लगेगा? 2y 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 2 डेज का 2 × y यानी कि 2y। टोटल नंबर ऑफ डेज 5 डेज हो गए और 5 डेज का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 2y। यस सर। एक्स प्लस 2y, लेकिन बुक में गिवन है कि टोटल चार्ज फॉर 5 डेज इज रुपीज 21। सॉरी। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 21। ठीक है, बन गए दोनों इक्वेशंस? यस सर। चलो दोनों इक्वेशंस को साथ में कर लो। सो वी हैव पहली इक्वेशन थी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 27, राइट? एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बनी है? एक्स प्लस 2y इक्वल टू 21, राइट? अब उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और आगे के काम खुद को करना है।
solving the equations by elimination method. We have उसके बाद का काम कर लोगे ना? Yes, sir. तो इसमें देखो x का कोएफिशिएंट मैच कर रहा है, तो आप x को एलिमिनेट कर सकते हो. सिंपली आप 1 में से 2 को माइनस कर दो, 1 माइनस 2 कर दो, तो 1 माइनस 2 करोगे तो x x कट गया और 4y माइनस 2y 2y हो जाएगा. 27 माइनस 21 6 हो जाएगा, तो 2y इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, y की वैल्यू 3 हो जाएगी. कर दोगे ना आगे का काम? Yes, sir. Yes, sir. कर देना, नहीं हो तो पूछ बता देना. और शिवम, जो आप ये वाला तरीका कर रहे हो, ये तरीका नहीं करना है. आप जिससे भी, जिसकी भी हेल्प लेके कर रहे हो या जिस भी किताब में देख के कर रहे हो, बोर्ड में वो तरीका एक्सेप्टेबल नहीं है. जो तरीका आप ये वाला जो भी मैंने करके बताया, ये हायर लेवल जब आप 11 12th में आते हो तब आपको ऐसे शॉर्टकट अलाउड होते हैं कि आपने डायरेक्ट माइनस किया, एक्स माइनस एक्स कट गया और ये कट गया और 4y माइनस 2y 2y हो गया और 27 माइनस 21 6 हो गया. ये समझने के लिए अच्छा है, लेकिन बोर्ड में कंप्लीट जैसे मैंने आपको करवाया था, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, फिर 1 माइनस 2, उसके LHS में से, इसका LHS, इसके RHS में से, यही तरीका एक्सेप्टेबल है बोर्ड में. समझे? तो जो भी आपको बता रहा है बिल्कुल गलत बता रहा है. जिससे भी आप हेल्प ले रहे हो, हेल्प लो, लेकिन कम से कम अपना अच्छा बुरा सोचो. हाँ, तो पहले मेरे को समझ में नहीं आया था ना, तो आप मतलब होमवर्क के लिए उस दिन वेटिंग रूम में डाल रहे थे ना, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे कर लिया था उस दिन. तो YouTube से करो, कहीं से भी करो, लेकिन बोर्ड किसके हिसाब से करना है हमको. ठीक है? यस सर. यस सर. चलिए, तो हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है. कल ये दो क्वेश्चंस करके आओ, पहले इसको डिस्कस कर लेंगे, अगर इसमें से कोई डाउट होगा तो सॉल्व कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट मेथड शुरू करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. इनफ फॉर टुडे, एंजॉय योर संडे, पर पढ़ाई भी करनी है, होमवर्क भी करके मुझे सेंड करना है. हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग. Thank you, sir. Bye, sir. Bye. Bye, sir.